सुपरस्टार संजय दत्त हमेशा ही अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त सोशल मीडिया पर खुशनुमा पलों को शेयर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में संजय दत्त के बेटे शाहरान दत्त से जुड़ी एक दर्द भरी खबर आई है। दरअसल शाहरान दत्त की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। इन तस्वीरों को शेयर किया है मान्यता दत्त ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। जी हां, मान्यता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बच्चों के साथ की कई तस्वीरों को शेयर किया है और साथ ही साथ यहां पर अपने बेटे शाहरान दत्त की एक वीडियो भी शेयर की है। लेकिन इस तस्वीर में देखा गया है कि शाहरान दत्त के पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ है। हालांकि तस्वीर में सभी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ही तस्वीर में देखा जाए तो उनकी बेटी इकरा भी नज़र आ रही हैं। इकरा भी खुश होते हुए पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं मान्यता दत्त भी पोज देती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीडियो में देखा जाए तो शाहरान दत्त लंच करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस दौरान शाहरान दत्त के पैर पर प्लास्टर भी बंधा हुआ है। जी हाँ, शाहरान के पैर में चोट लगी है और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर फैंस के लिए चिंता का विषय भी बन गई है। फिलहाल देखा जाए तो मान्यता ने अपने बेटे को लेकर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है और ना ही फैंस को जानकारी दी है कि आखिरकार उनके बेटे के पैर में चोट कैसे लगी है। बता दें आपको कि शाहरान और इकरा अभी 10 साल की हैं और सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के साथ की तस्वीरें वीडियो शेयर करती हुई नजर आती हैं मान्यता। और इस तरह से मान्यता दत्त ने फैंस को बताया है कि वह कैसे अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हैं और अपने बेटी का ख्याल भी रख रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।